मॉर्निंग के साथ सभी लोग स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं भाई भी उठ चुके हैं, बाहर चल बाहर जा चुका है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह चिड़ियों की चाट हमें सुनाई दे रही है। यहाँ पे भाई भी उठ चुका है और आज रात को बहुत बढ़िया नींद आई भाई। आज मैंने ब्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया सुबह सुबह, अभी देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो फोन चार्जिंग पे लगा लेते हैं क्योंकि वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, पब्लिक भी करनी है। देख सकते हैं यहाँ पे बंदर आ चुके हैं। कहाँ है बंदर? कहाँ है सर लंगूर? वो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लंगूर प्रियांशु बारा। तो अभी हम आए थे छत में यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लंगूर आ चुके थे उनको भगाने के लिए। यहाँ पे सहतूत के पेड़ हैं बुआ के, तो वो सहतूत खाते हैं। तो क्योंकि लंगूर भाई सहतूत प्रेमी होते हैं हमारे गांव में, तो उनको भगा देते हैं। पर यहाँ के जो लंगूर हैं भाई काटने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बैक कैमरे से, वो अभी भी वहीं पर बैठा है, डर नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये लंगूर बैठ रखा, देख सकते हैं आप ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये देखिए 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 देखिए, हाँ हाँ आ जा। देखिए कैसा आ रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे क्योंकि अभी हम नहाए भी नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत नहा लेते हैं। और अभी ये लंगूर एक एक करके नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ लंगूर काटने भी आते हैं भाई। तो अभी यहाँ पे इनकी सीमेंट भी खतरनाक है बहुत ज़्यादा। और अभी भाई भी अंदर जा चुका है, चले नहाने। लाइट तो खोल दो, लाइट बंद क्यों कर रखी है? देख सकते हैं यहाँ पे इसमें तगड़ी लाइटिंग है। प्रियांशु के बर्थडे पे हमने डेकोरेशन की थी, अभी तक हटा ही नहीं है इन्होंने। यहाँ पे नहा धो के भी रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं हम यहाँ पे अभी घूमने। अभी हमने जो ब्रेकफास्ट है वो भी नहीं किया है, टाइम काफ़ी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 बज चुके हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर जाते हैं घूमने के लिए। पे हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, प्रियांशु खा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। मिठाई कौन सी मिठाई खा रहा है भाई? ये पता नहीं कौन सी है। अच्छा ये कोकोनट वाली है कोई, और ये यहाँ पे स्नैप भी भेज रहा है लोगों को। जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ हमको फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके जाते हैं। केले मतलब कितने सारे? हाँ नारंगी रख दे, सेब बस 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 इतनी रख भाई, इतने कितने ले जाएगा, फ्रूट डे थोड़ी आज। तो चलो हम घर से निकल चुके हैं घूमने के लिए और यहाँ पे प्रियांशु भी है मेरे साथ में। तो बस अभी जाते हैं आगे, हम जा रहे हैं पार्क जहाँ सामने मैंने आपको दिखाया था, तो वहीं जा रहे हैं पैदल जाएंगे क्योंकि स्कूटी तो है नहीं हमारे पास में। तो आज आफत आने वाली है इतना दूर जाने में। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बाईपास से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे एक बाईपास है और यहाँ पे हमको प्रियांशु का पुराना स्कूल मिला है। आपको दिखाता हूँ मैं प्रियांशु का पुराना स्कूल, यहाँ पे प्रियांशु का पुराना स्कूल, यहीं से उसने जूनियर क्लासेस ली थी अपनी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक कुत्ता भी है जो हमें देख के भौंक रहा है, ये स्कूल की सिक्योरिटी एक करता है शायद। देखिए NH 58 है, यहाँ से आगे घूम के वहाँ से बाईपास का रास्ता है, तो यहाँ से ये शॉर्टकट है ज्वालपा पैलेस के लिए, तो हम यहीं से जाएंगे नीचे। ये यहाँ पे बाईपास का पुल है और वहाँ पे पहले पुल हुआ करता था वहाँ पे, जो कि अब नहीं है, टूट चुका है आपदा की वजह से। और ये बाईपास वाला रूट है सामने, और ये है यहाँ पे होटल ज्वालपा पैलेस जहाँ से कि हम अभी नीचे आए, ये शॉर्टकट है। और फिर यहाँ से हम नीचे से जाएंगे, नहीं तो हमको इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता, तो ये शॉर्टकट है एक। तो अभी हम यहाँ पे पुल में पहुँच चुके हैं जो बाईपास का पुल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे बाईपास का पुल है। कल वैसे गाड़ी में घूम रहे थे तो पता भी नहीं चला था कहाँ से कहाँ पहुँचे, फिर आज पैदल जाना पड़ रहा है। और पार्क मुझे दिख रहा है अभी बहुत दूर है, मतलब कम से कम अभी हमें 1 किलोमीटर और जाना है तब जाके पार्क मिलेगा। और ये पुल देख सकते हैं कितना पतला सा पुल है, घर का जो नया पुल बना है उसके मुकाबले कितना पतला लग रहा है। हो जाएगी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, ले इसको पकड़ दो, मैं कोल्ड ड्रिंक देगा। कौन सी वाली लानी है? फेंटा। मिल दिया भाई। अब 20 मिनट से चल ही रहे हैं भाई, अभी तक पहुँचे नहीं है, हालत ख़राब हो चुकी है पैदल चलते चलते। अभी हमने कहीं पर रेस्ट भी नहीं किया है, बस पहुँचने वाले यहाँ पे से। अब ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 500 मीटर की दूरी है, यानी लगभग आधा किलोमीटर। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा वहीं पर। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगभग इस पार्क में, देख सकते हैं आप ऊपर दिख रहा है सामने पर, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर
और वो सामने है रुद्रप्रयाग। ओवरऑल व्यू है, वहाँ पे सामने पे कुछ झूले हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ वहाँ पे दो स्लाइड्स हैं, और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए बना रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ खाने की चीज़ें ला रखी हैं, ये थोड़े से फ्रूट्स, फेंटा, लेज वगैरह, और प्रियांशु यहाँ पे फ़ोन चला रहा है और थकान बहुत लग चुकी है। और वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है ऊपर, वहाँ से मैं आपको पूरा पार्क दिखा देता हूँ, इंडोर जाने का रास्ता। चलो यहाँ पे छांव तो है, कम से कम देख सकते हैं आप। और यहाँ से कुछ ऐसा पार्क दिखता है, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ पे कुछ फाउंटेन वगैरह बनेगा शायद, यहाँ पे भी झूले हैं और वहाँ पे भी कुछ झूले हैं। और यहाँ से अभी और ऊपर जा सकते हैं हम, बाकी इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है पेंटिंग का, और ये देख सकते हैं वहाँ पर प्रियांशु हाई कर रहे हैं। और ये यहाँ पर कुछ झूले हैं, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे बस पार्क। और अभी थोड़े बहुत फोटो शूट करा के निकलते हैं हम भी घर के लिए, क्योंकि दोपहर होने वाली है और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। और यही यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे तो छांव है पर बैठने का नहीं है, इसलिए हम वापस वहीं नीचे जाता हूँ जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं नीचे, मतलब वहाँ नीचे रोड पर जाके लिफ्ट लेंगे, क्योंकि अब हमारे बस की पैदल चलना तो है नहीं, तो हमको लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी। अभी रोड में भी आ चुके हैं और यहाँ पे कर रहे हैं किसी गाड़ी का इंतजार कि जो हमें कोई लिफ्ट दे दे। तो अभी यहाँ पे लगाता हूँ मैं ट्राईपॉड और यहाँ से लिफ्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप पेड़ की छांव है। तो बस देखते हैं अभी कोई रोकता है कि नहीं रोकता। तो यहाँ पे इन भैया ने हमको लिफ्ट दे दी थी अपनी कार में, आप देख सकते हैं ये भैया जा रहे थे यहाँ पे श्रीनगर। हमने लिफ्ट ली थी उसकी वजह से हम काफ़ी जल्दी पहुँच चुके हैं भाई साहब, होटल ज्वालपा पैलेस पे हम दोबारा से पहुँच चुके हैं। तो भैया ऊपर से भी हमें कोई दूसरी लिफ्ट मिल गई, तो देखते हैं अभी, मतलब नहीं तो हमको इतना पैदल आना पड़ता 2 किलोमीटर के लगभग। तो यहाँ पे भैया ने हमको लिफ्ट दे दी थी भाणाधार तक, तो शुक्र है यहाँ पे हमें लिफ्ट मिल गई। प्रियांशु आगे किसी और की स्कूटी में चले गए। ये जो हमारे लिफ्ट वाला सिलसिला था वो हमको सही, मतलब सही पड़ गया कि एक एक स्कूटी में प्रियांशु आ गया और दूसरी वहाँ पीछे से एक बाइक आ रही है उसमें मैं आ गया। वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ सामने हम गए थे, वो सामने पार्क में आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वहाँ सामने हम गए थे ठीक पल्ली पार, उस पार्क में भाई साहब बहुत गर्मी है, वहाँ वो लोग पता नहीं कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं। और कपड़े भी चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं प्रियांशु ने भी कर लिया और मैंने भी, मतलब जीन्स उतार दिया है क्योंकि थकान बहुत लग चुकी है। और हम कर रहे हैं अभी रेस्ट, हमने पंखा भी नहीं चलाया है, गर्मी तो हो रही है पर नहीं चलाया क्योंकि सर दर्द हो जाएगा अगर अचानक से ठंड में जाएंगे। तो बस अभी थोड़ा आराम करते हैं और मिलते हैं आपको सीधा। तो अभी यहाँ पे शाम भी हो चुकी है और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ कड़ी चावल, आप देख सकते हैं दिन में खाना खाया नहीं क्योंकि थकान बहुत लग चुकी थी। और यहाँ पे प्रियांशु बना रहा है सबके लिए चाय, मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑडियो में ग्लिच आ चुका था, देख सकते हैं हम यहाँ पे सबके लिए बन रही है चाय। तो अभी बज चुके हैं यहाँ पे रात के 11:30 और बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे भाई पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका है आईटी का पेपर जो कि है 21 तारीख को। तो अभी इसको पढ़ने देते हैं और मैं करता हूँ वीडियो एडिट, क्योंकि अभी वीडियो बहुत पेंडिंग बची है, रात को सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड भी करनी है।